ओ वाह यार, ये कोई नॉर्मल बैट बिल्कुल भी नहीं है, ये है एक जादुई बैट। तो अभी हमने ये ऑन तो कर लिया है, ये ऑन तो हो चुका है। आप लाइटिंग देख रहे होगे, ये एलियन टाइप की लाइटिंग है, ऐसे जा रही है नीचे की तरफ। ये कनेक्ट हो चुका है, देखो ग्रीन लाइन, ग्रीन लाइट जल चुकी है, तो इसका मतलब ये कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, एक और बॉल आ रही है आगे से, आई। इसमें वाइब्रेशन भी फील हुआ, मतलब जैसे जैसे इसमें बॉल लगी हो फील हो रहा है कि हाँ हम एक क्रिकेट खेल रहे हैं। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ एक बैट, मतलब ये इतना बड़ा बैट है, देखो अभी अभी मैंने मंगाया, अभी अभी आया जस्ट तुरंत ही। तो अभी ये ना, ये पहले बता दूं मैं आपको, ये एक नॉर्मल बैट बिल्कुल नहीं है, मतलब कि ये वो बैट नहीं है कि आप प्लेग्राउंड में गए और बाहर आप खेलने लग गए कंटिन्यू, वो नहीं है। ये है एक डिजिटल बैट, मतलब कि कैसे बोलूं मैं आपको, एक रूम में आप इससे खेल सकते हो। नहीं समझे अभी भी, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे एक आपने एलईडी या डिस्प्ले लगा ली, वो बंदा बॉल करेगा, आप बाहर से मारोगे, मतलब कि एक गेम, रियलिस्टिक गेम। तो चलो बातें बाद में करेंगे, पहले हम इसे खोलते हैं। वैसे तो मैं ये वीडियो काफी दिन बाद बना रहा हूँ, मतलब कि बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है हमें ये वीडियो, मतलब वीडियोस को पोस्टपोन करते हुए मैं अब कंटिन्यू रखने वाला हूँ ये सारी वीडियोस। मतलब बीच में मैंने बहुत सारा गैप दे दिया था, अब कोई भी गैप नहीं होने वाला, मैं डेली वीडियोस डालूंगा। तो चलो अब हम इसे सीधे सीधे अनबॉक्स करते हैं अपने इस पुराने से पेपर कटर के साथ। पहले अपन लगाएंगे इधर कटिंग ऐसे। अरे इसका तो ब्लैक कलर का बॉक्स है भाई, ये देखो। ओ कंपनी का नाम क्या है? मेटा शॉट, ये रहा कंपनी का नाम। देखो ये देखो, काफी प्रीमियम सा बॉक्स है नी, मतलब एकदम। देखो फिनिशिंग देखो बैट की, तुम बॉक्स की फिनिशिंग देखो, बैट तो बाद में देखेंगे हम। ये खोलते हैं हम इसे। ओ वाह यार, अरे ग्रिप भी दिया हुआ है इसमें, ग्रिप भी है एक। ये क्या चीज है? इसका ग्रिप देखो, ग्रिप ये देखो, यहाँ पे नाम है मेटा शॉट, ये रहा। अच्छा वेट कितना, वेट वजन कितना है इसमें? देख वजन समथिंग 1.5-2 किलो। ऐसा लग रहा है खिलौना जैसा, नहीं लग रहा बिल्कुल, मतलब ऐसे बच्चे नहीं आते प्लास्टिक की बॉल से खेलते हैं छोटे छोटे बैट। ये मेरी हाइट के हिसाब से बहुत छोटा है, देखो मैं दिखाता हूँ, छेर इधर कर लेता हूँ। ये देखो, मतलब हाफ भी नहीं आ रहा है, मैं कैसे खेलूंगा इससे? ऐसा लग रहा है जैसे क्या बोलते हैं बच्चे के वो नहीं नहीं उसका नाम क्या है, क्रिस गेल के सामने छोटा वाला बैट है। और क्या क्या है आपने इसके? और वायर केबल देखो भाई, कितनी क्वालिटी है। ओ भाई ये गजब चीज है नहीं, देखो। अरे ये भी है देखो, ये iOS iPhone के लिए, ये शायद ऐसे, ये पुराने वाला USB। अच्छा और ये हो गया, ये माइक्रो USB, ये हो गया टाइप सी केबल, सही है। ये HDMI है इधर, और इसमें कुछ पेपर वगैरह भी है, वारंटी कार्ड वगैरह होगा कुछ। ये पेपर है इसकी, अच्छा पेपर मैनुअल है। ये रहा इसका वारंटी कार्ड। अरे ये पिन क्यों दी है इसके साथ? सिम इजेक्टर नहीं होगा, ये कोई टूल होगा इसके अंदर, मतलब कुछ लगा होगा इसके अंदर। इधर भी एक केबल है, ये कौन सी केबल है? ये इसे चार्ज करने के लिए, टाइप सी है ना? हाँ ये टाइप सी केबल, और बाकी तो कुछ नहीं है इसके अंदर। ये भी है, ऑन करके देख ऑन होता है क्या, ऑन होते क्या? ये किधर है इसके? ओह वाइब्रेशन, वाइब्रेशन नहीं, वो देखो ये है एक इलेक्ट्रिक बैट, जादुई बैट, जादुई बैट। वो चैन खुली की मैन खुली ये। तो अभी हमने ये ऑन तो कर लिया है, ये ऑन तो हो चुका है, आप लाइटिंग देख रहे होगे, ये एलियन टाइप की लाइटिंग है, ऐसे जा रही है नीचे की तरफ। वाइब्रेशन भी अच्छी खासी है, वो हम शॉट मारते टाइम देखेंगे कैसा होता है। तो पहले हम ना इसके लिए एक सेटअप तैयार करते हैं, एक डिस्प्ले लाते हैं, सेटअप तैयार करते हैं, तब आगे मिलते हैं, ठीक है? चलो, तो हमने इसका पूरा सेटअप कर लिया है। ये रही हमारी डिस्प्ले, ये रहा हमारे हाथ में बैट। बस हमें क्या करना है, हमें इसका एप्लीकेशन ओपन करना है, मतलब कि गेम ओपन करना है। जैसे कि ये रहा अपना टाइप सी पोर्ट, ये लगा लिया यहाँ पे केबल। सबसे पहले हमें ये कनेक्ट करनी पड़ेगी, देखो ऐसे करके ये हो जाएगी कनेक्ट अभी। तो अब ये स्टार्ट नाउ पे जैसे ही मैं टैप करूंगा तो ये हो चुकी है डिस्प्ले कनेक्ट मेरे फ़ोन से, देखो ठीक है। तो अभी हम इस पर गेम ओपन करने वाले हैं, ये हो चुका अपना गेम ओपन, ये हो गया स्टार्ट अपना गेम। ये देखो ऐसा कुछ इंटरफेस आता है इसका स्टार्टिंग का, मेटा शॉट, ये लोगो है मेटा शॉट का। यहाँ पर अपने मैचेस वगैरह जो भी खेलना हो, ठीक है। अभी अपने वो चेक करेंगे हम राइट हैंड से खेलते हैं या लेफ्ट हैंड से। तो पहले मैं राइट से खेलता हूँ, तो सेलेक्ट करेंगे राइट हैंड, प्रैक्टिस मैच खिलाएगा हमको। पहले बैट को ऑन करना पड़ता है, ये रहा इसका बटन, यहाँ से इसे दबाओ,
ये हो गया बैट ऑन। अब ये बैट कनेक्ट होगा इस गेम से, मतलब कि फोन से कनेक्ट होगा। ये कनेक्ट हो चुका है, देखो ग्रीन लाइन, ग्रीन लाइट चल चुकी है, तो इसका मतलब ये कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, राइट हैंड हमने सेलेक्ट किया था, ऑन हो गया, ये कनेक्ट भी हो चुका, अपना गेम भी स्टार्ट हो चुका। मतलब ये प्रैक्टिस मैच है, प्रैक्टिस करेंगे हम बस, मतलब खेलना सीखेंगे कैसे खेलते हैं। ठीक है, पहले एक ग्रिप पहन लो जिससे ये बैट छूट के कहीं ना लग जाए। ठीक है, ग्रिप पहनने के बाद अपना बैट पकड़ लो और अपना पोजीशन ऐसे सेट कर लो, ये बोल रहा है जैसे ऐसे पोजीशन सेट कर लो, फिर इस बटन को प्रेस कर दो। ठीक है, पोजीशन सेट कर लिया और हमने ये बटन प्रेस कर दिया। ओके, तो सामने से बॉलर आ रहा है बॉल लेके, क्या करना है? अच्छा, ऐसी मारनी है क्या डायरेक्ट? चलो आओ। मतलब इसमें वाइब्रेशन भी फील हुआ, मतलब जैसे ही जैसे इसमें बॉल लगी हो ऐसे वाइब्रेशन, चार रन मारे जैसे मैंने पहले। चलो दूसरी बॉल भी ट्राई करते हैं। ठीक है, ऐसे ही वाइब्रेशन भी फील कर रहे हैं हम इसमें, कि जैसे बॉल लग रही हो हमारे बैट से। ठीक है, एक और बॉल आ रही है आगे से, आई, वाह यार बहुत अच्छा वाइब्रेशन फील हो रहा है। मतलब कि ऐसा नहीं लग रहा जैसे अपन गेम खेल रहे हो, वैसे ही घुमा रहे हो कोई चीज़, फील हो रहा है कि हाँ हम एक क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बॉल ट्राई करते हैं, आपके लंबा मारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आ जा भाई। अरे फिर भी चार ही गए भाई, छह नहीं जा रहे मेरे से। ठीक है, ये ऐसे मतलब ये तो एक प्रैक्टिस मैच है, अगर आप इसमें क्विक मैच मतलब ऐसे जैसे दो लोग हो ना, तो आप दोनों एक एक ओवर का ऐसे भी खेल सकते हो कि आपको कैसे खेलना है। मतलब एक ओवर छह बॉल मैं खेलूंगा, छह बॉल दूसरा पर्सन खेलेगा, ऐसे मैच भी इसमें हो जाता है। बाकी मैं इसकी क्वालिटी की बात करूं तो थोड़ा हैवी तो है ही, मतलब इतना भी हैवी नहीं, मतलब बैट सा तो लग रहा है, बस छोटा दिया थोड़ा। अगर इसे थोड़ा सा इतना लंबा कर देते ना तो मज़ा आ जाता, मतलब पूरी रियलिस्टिक वाली फील होती। फिर भी मैं खेला इससे दो या तीन बॉल खेला हूँ, मैं पहले भी खेल चुका, मतलब मैंने ट्रायल किया था पहले, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मतलब इसमें जो वाइब्रेशन होती है वो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, जैसे ऐसे फील होता है जैसे हमने बॉल एक्चुअली मारी हो हमने बॉल, ऐसे मेरे को बहुत अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। तो अगर आप इसे मंगाना चाहते हो, मतलब ये समथिंग अप्रोक्स 4 से 6 हज़ार के बीच में आपको पड़ेगा एक बैट, अगर आप इसे मंगाना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, आप अपने लिए भी मंगा सकते हो, मतलब अपने रूम में क्रिकेट खेल सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली किसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ऐसे और भी वीडियोज़ देखने के लिए, मज़ेदार वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो।